दोस्तों WhatsApp चेंज हो रहा है, ओ माय गॉड द अमाउंट ऑफ फीचर्स, इतने सारे फीचर्स रोल आउट हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ आर इन द प्रोसेस ऑफ रोलिंग आउट। कम से कम 17-18 फीचर्स नए हैं दोस्तों WhatsApp के अंदर, और उसकी वजह से दोस्तों इट इज गोइंग टू चेंज द वे यू डू थिंग्स ऑन WhatsApp। जी अगर आप WhatsApp इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अगर आप एडमिन हो, आप अगर ग्रुप चैट बहुत करते हो, इंडिविजुअल चैटिंग भी करते हो, स्टेटस सबके देखते हो, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि सब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। वैसे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ WhatsApp पे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी WhatsApp के राजा बन जाए। आपके प्राइवेसी के लिए चैट लॉक आ रहा है, इंडिविजुअल चैट्स आ रहा नहीं है, इनफैक्ट रोल आउट हो रहा है, अभी बहुत सारे लोगों को मिल भी गया होगा। वैसे आपको बता दूं, अगर आपके पास WhatsApp बीटा है तो आपके पास पहले ये फीचर्स आएंगे एंड फिर रेगुलरली पब्लिक को बाद में वो रोल आउट होंगे। तो अगर आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फीचर टेस्ट करने तो WhatsApp बीटा पे आ जाइए। तो ये जो चैट लॉक है इंडिविजुअली चैट्स को लॉक करेगा, एंड इट कैन बी डन विद योर फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। तो एक ही चैट आपको किसी को नहीं दिखानी है, ये आप कुछ प्राइवेट बात करते हो, आप किसी को नहीं देखना है, तो आप वो कर सकते हो, एंड देन यू कैन लॉक इट विद योर फिंगरप्रिंट सेंसर, कोई भी नहीं देखेगा। एक फीचर जो मैं पिछले आई डोंट नो जब से मैं WhatsApp इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे वो फीचर चाहिए था, मल्टी डिवाइस WhatsApp सपोर्ट। अब कैसे करते थे हम दोस्तों, एक डिवाइस के ऊपर हमारा WhatsApp होता था, एंड देन WhatsApp वेब वगैरह हम पीसी से कनेक्ट करते थे, बट अभी दोस्तों अलग अलग चार डिवाइसेस, मतलब आपका एक टैबलेट है, एक आईफोन आप इस्तेमाल करते हो, एक एंड्रॉइड का फोन इस्तेमाल कर रहे हो, नो प्रॉब्लम्स, अलग अलग चार डिवाइसेस पे एक ही टाइम पे एक ही WhatsApp अकाउंट आप इस्तेमाल कर पाओगे, इट इज बिकम दैट सिंपल। जी हाँ, अब ऐसे नहीं है कि अगर आप दो फोन इस्तेमाल कर रहे हो वो सेम अकाउंट नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, यू विल बी एबल टू यूज इट। और हाँ याद रखिए, जिस भी डिवाइसेस पे ये WhatsApp सिंगल अकाउंट कनेक्टेड है उधर आपको इंडिविजुअली लॉग इन करना होगा, तो वो अच्छी बात है। इसका मतलब एक महीना भर फोन आपने रख दिया और बाद में खोला, यू नो यू कैन लॉग इन देयर, यू कैन यूज दैट। और एक बात आपको याद रखनी है, अगर प्राइमरी जो डिवाइस है उसके ऊपर बहुत दिनों से आपने लॉग इन नहीं किया, यूज नहीं किया, इनएक्टिव है, तो सभी डिवाइसेस से आप लॉग आउट हो जाओगे, क्योंकि दैट इज अ प्राइमरी डिवाइस, एंड आई थिंक दैट इज फेयर, प्राइवेसी के हिसाब से आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल। दोस्तों सभी प्लेटफॉर्म से ना ई कॉमर्स ला रहे हैं, WhatsApp कैसे चेंज होगा? जी हाँ, WhatsApp बिजनेस जो है अब एक्चुअली आप प्रोडक्ट्स बाय कर पाओगे ऑन WhatsApp इटसेल्फ। हाँ ज्यादा बिजनेसेस है नहीं, ये अभी रोल आउट चल रहा है दोस्तों, धीरे धीरे होगा, बट दिस इज द फ्यूचर। ये अपडेट जो है वो रोल आउट हो रहा है, लोग बाय कर सक रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑन WhatsApp डायरेक्टली, और आपको तो पता है UPI वगैरह WhatsApp में है ही, WhatsApp पे उधर से ही आप पेमेंट भी कर पाओगे। अब दोस्तों नंबर्स को, चैट्स को ब्लॉक करना भी बहुत इजी हो गया, अनआइडेंटिफाइड कॉल्स या मैसेजेस कितने आते हैं, और एवरी टाइम आपको एक अनआइडेंटिफाइड कोई मैसेज वगैरह आ जाता है, आपको नोटिफिकेशन भी आता है, आप उधर से ही आप ब्लॉक कर पाओगे। जी अगर नोटिफिकेशन आ गया उधर से ही, अगर नंबर आपको पता नहीं है आप ब्लॉक कर पाओगे, या फिर आप चैट पे भी जाइए, उस चैट को लॉन्ग प्रेस कीजिए, उधर ही आपको ब्लॉक का एक ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन ब्लॉक इट फ्रॉम देयर। कोई भी चीज ब्लॉक करना, अगर नोटिफिकेशन हो या फिर चैट हो, बहुत इजी हो गया। स्टेटस अपडेट्स में बहुत सारे विजुअल चेंजेस भी आ रहे हैं, फीचर वाइज भी चेंजेस आ रहे हैं। जी हां, अब आप सिलेक्ट कर पाओगे कि किस लोगों को ये जो स्टेटस है वो दिखना है, तो प्राइवेटली आप लोगों को सिलेक्ट कर पाओगे और उन्हीं को सिर्फ स्टेटस दिखा पाओगे। वॉइस स्टेटस आ रहे हैं, तो एज अ स्टेटस आप आपका वॉइस मैसेज भी सेट कर पाओगे, स्टेटस को रिएक्शंस आप दे सकते हो एज इमोजी। और हां, अब आपको इजीली पता चल जाएगा, अगर किसी के प्रोफाइल पिक्चर पे आप देखोगे तो बाजू से रिंग आती है जैसे इंस्टाग्राम पे आती है, वैसे ही इसके ऊपर आएगा और आपको पता चलेगा कि भाई नया स्टेटस आ गया है, एंड लिंक प्रीव्यूज भी आ गए स्टेटस के लिए। सो बहुत सारी चीजें स्टेटस अपडेट्स में चेंज हो रही है। अब दोस्तों ये जो फीचर्स मैंने अभी तक बताए हैं, कोई कोई लोगों को रोल आउट हो गए हैं, कुछ पहले रोल आउट हुए थे, अब रोल आउट हो रहे हैं, तो उतना याद रखिए, लेकिन आने वाले दिनों में भी बहुत सारे नए फीचर्स आने वाले जो अभी तक रोल आउट नहीं हुए। चैट ट्रांसफर्स कर सकते हो विदाउट जी ड्राइव। आपको पता है दोस्तों कि जब आप फोन चेंज करते हो आप बैकअप लेते हो, पहले वो जी ड्राइव पे होता है और फिर रिस्टोर करते हो जब नए डिवाइस पे आप लॉग इन होते हो, अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है। विदाउट जी ड्राइव यू विल बी एबल टू ट्रांसफर चैट्स टू न्यू डिवाइस। और बहुत सिंपल है दोस्तों, सेटिंग्स में जाइए एंड देन उसके अंदर चैट्स में जाइए और फिर चैट हिस्ट्री ट्रांसफर जो है वो चूज कीजिए, QR कोड आपको आ जाएगा, दूसरे नए डिवाइस से स्कैन कीजिए एंड इट विल गेट ट्रांसफर। और एक फीचर जो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट टाइप करता हूं, इधर कुछ काम कर रहा हूं, कुछ मैसेज आ जाता है, इमीडिएटली मैं रिप्लाई करता हूं और बहुत बार गलतियां भी करता हूं। अब मैसेज एडिट का फीचर आ रहा है, इसका मतलब आपने मैसेज भेज दिया WhatsApp के ऊपर, उसके बाद में भी आप एडिट कर पाओगे। अननोन कॉलर्स के लिए अब एक नया फीचर आ रहा है, स्पैम कॉल्स बहुत आने लग गए आजकल WhatsApp के ऊपर, आपने तो देखा होगा, इनफैक्ट पिछले एक दो महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब आप साइलेंस कर पाओगे, ऑटोमेटिकली साइलेंस कर पाओगे, इनफैक्ट जब भी कोई अननोन कॉलर से आपको कॉल आएगा आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आने वाला है, वो अपने आप साइलेंस हो जाएंगे। वो फीचर आपको एनेबल करना होगा, मतलब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, नोटिफिकेशन आएगा लेकिन वो रिंग नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, इमीडिएटली आप जाके देखोगे, जरूरत नहीं, बाद में कॉल लिस्ट में या नोटिफिकेशन लिस्ट में आपको वो दिखेगा। वैसे इसी टाइम आपको बोल दूं दोस्तों, बहुत आजकल फ्रॉड स्पैम स्कैम ये हो रहे हैं WhatsApp के ऊपर, प्लीज कोई भी किसी भी
भी अननोन नंबर को कोई चैट उनके साथ मत कीजिए, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर इट। लोगों ने लाखों रुपए गवाए हुए हैं। देयर आर नो फ्री लंचेस, इतना याद रखिएगा। अब दोस्तों ये फीचर पहले आना चाहिए था, मतलब इट इज रियली डिलेड। एडमिन रिव्यू अलर्ट, इसका मतलब दोस्तों आप ग्रुप चैट पे हो, बहुत बार ऐसे होता है कि अननोन लोग होते हैं, आपको पता नहीं होता है, छोटे ग्रुप होते हैं, बड़े भी ग्रुप होते हैं, और बहुत बार ऐसे भी होता है कि अननोन लोगों से कोई ऐसा मैसेज आ जाता है विच इज नॉट राइट। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बेसिकली एडमिन को मैसेज भेज सकते हो डायरेक्टली, लेकिन अब उस मैसेज को लॉन्ग प्रेस करके आप डायरेक्टली एडमिन को रिव्यू के लिए भेज सकते हो। तो कोई मैसेज आपको पसंद नहीं आया, लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड एडमिन रिव्यू के लिए उसे भेज दीजिए, और जो ग्रुप एडमिन होगा उसे वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो देखेगा, अगर उसे सही लगेगा तो रहने देगा, वरना वो डिलीट कर देगा, दैट इज अप टू हिम, बट आप डेफिनेटली अलर्ट कर सकते हो एडमिन को। अब दोस्तों टेलीग्राम से कुछ चीजें कॉपी करके व्हाट्सएप खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहा है। चैनल्स, जैसे टेलीग्राम के ऊपर अलग अलग चैनल्स हैं, वैसे ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट चैनल्स हो सकते हैं दोस्तों। तो ये चैनल्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, एंड प्रोबेबली विल बी एबल टू सर्च दोस चैनल्स। नेशनल ज्योग्राफिक का कोई होगा या ट्रैकिंग टेक का कोई चैनल होगा जहां पे हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर भी आने वाला है। ओह माय गॉड। और हां, विजुअली भी डिजाइन में भी चेंजेस आ रहे हैं। अभी दोस्तों जो आपका जो नेविगेशन होता है वो ऊपर की तरफ है, चैट्स, कॉल, स्टेटस, ये सब ऊपर आता है, अब वो नीचे आने वाला है। जी हां, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप देखोगे, उनके ऐप्स देखोगे तो जनरली दे प्रीफर बॉटम नेविगेशन। अब व्हाट्सएप के ऊपर भी वैसे ही कुछ आने वाला है। वैसे अगर आप आईफोन इस्तेमाल करोगे तो व्हाट्सएप में ऑलरेडी बॉटम नेविगेशन है आईफोन के ऊपर, iOS के ऊपर, एंड्रॉइड पे बहुत जल्दी आ रहा है। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा, बहुत सारी नई 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 चीजें आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर, एंड आई थिंक इट इज फॉर गुड, एंड दैट इज रियली नाइस। पहले व्हाट्सएप में ज्यादा चेंज नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों में नए नए फीचर्स हर महीने ऐड कर रहे हैं, एंड दैट इज गुड। मेरे हिसाब से इट इज रियली गुड। आपको ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अच्छा लगा ना, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।